Sardar Sukhdev Singh Dhindsa. Thank you, sir. पहले तो मैं भी सभी को सारे हाउस को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज ये डिबेट हुई है और एक मत से ये देश के साथ खड़े हैं और कश्मीर के साथ भी खड़े हैं और दूसरी मुझे तीसरी टर्म होगी मेरी राज्यसभा में तो मुझे आज मालूम है कि एल्डर्स हाउस है वाकई ये आज से पहले कभी ऐसे डिबेट मैं नहीं देखी मैं महसूस करता हूँ आगे से भी कुछ ऐसे नेशनल इश्यूज होंगे तो सभी पार्टियां जैसे आज एक मत हुई हैं ऐसे ही होंगी ये मैं महसूस करता हूं दूसरा सर ये भी सभी जानते हैं कि कश्मीर का मसला बहुत ग्रेव और सीरियस इशू बना हुआ है आज और उसके लिए अगर हम जानते तो सब हैं बोलते कम हैं कि इसका इंटर रिलेटेड है पाकिस्तान के साथ जितनी देर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी रहेगी उतनी देर कश्मीर का मसला वो कोशिश करेंगे कि वो हल ना हो और हमने ये नहीं है कि देश के प्रधानमंत्रियों ने बड़ी कोशिश की है चाहे श्री लाल बहादुर शास्त्री ने समझौता किया ताजकंद में वो नहीं रहे उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता किया उसके बाद भी कोशिश होती रही लेकिन उसके बाद जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहल की पहले तो गुजरात साहब ने कोई की लेकिन उनको टाइम नहीं मिला फिर अटल बिहारी वाजपेयी की जिनकी आज भी कह रहे हैं कि वही फार्मूला सबसे बेटर है तो उन्होंने इतना बड़ी बात की कि बस में बैठ के वो पाकिस्तान गए और उनके जाके प्राइम मिनिस्टर मिले बात शुरू हुई और उम्मीद थी कि वो मसला शायद हल हो जाए लेकिन आप जानते हैं वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों की कोई बात नहीं है ना पॉलिटिकल लीडरशिप की वहाँ पर फौज का राज है जब वो होते हैं तो उनका प्राइम मिनिस्टर का जब ये शुरू होगा कि शायद ये समझौता हो जाए तो उन्होंने उसका राज पलटा कर दिया और उसके बाद जो फार्मूला श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था कश्मीर के लिए आज भी जो महबूबा जी ने कहा कि उसको लागू किया जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी शुरू रखा लेकिन उसके बाद अपने मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी उसी से शुरू किया कि पहले उनको अपने जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को बुलाया लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आप भी गए उनके बर्थडे पे भी गए बिना कोई टाइम दिए चले गए लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर क्योंकि सब फौज आर्मी से डर है कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप में इतनी ताकत नहीं है कि कोई समझौता कर ले तो उसकी यही हमेशा रहेगी कि पाकिस्तान कभी कश्मीर में कोशिश करेगा कि नहीं समझौता हो लेकिन ये ठीक है आज बिल्कुल सभी ने ठीक कहा कि वहाँ पर हमारे बच्चे मर रहे हैं वो नौजवान हैं उनको वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान कि उनको उनके जज्बातों से खेलते हुए उनको देश के खिलाफ कोशिश करते हैं उसका नतीजा क्या होता है उसका नतीजा ये है कि जब वो एजिटेशन करेंगे तो कुदरती है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं तो उनको रोकेंगी तो गोली भी चलेगी और भी होगा लेकिन उससे सारे कश्मीर में नौजवानों एक ऐसी पैदा होगी कि हमें इस देश में नहीं रहना इसको देश तो दूर करने के लिए सरकार को चाहिए कोई श्री अटल बिहारी वाजपेयी का फार्मूला है जो उसको चलेगी दूसरा मैं ये कहता हूँ कि लोगों के दिल जीतने की बात है पंजाब की बात बाजवा साहब ने भी की है लेकिन उस वक्त तक समझाओ कोई अमन नहीं हुआ जितनी देर लोगों का साथ नहीं मिला जब लोगों ने उनको रिजेक्ट किया तो उसके बाद वहाँ पर हुआ हमारे लीडर बड़े मरे वहाँ पर भी उन्होंने जैसे आज हो रहा है कि हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सिख हिंदुओं की बात चलाई गई कि हिंदू मर रहे हैं हिंदू तो मर नहीं सिख तो मेजॉरिटी मरी लेकिन वहाँ पर बात हुई कि हिंदू मर रहे हैं तो हिंदू वहाँ से जाना शुरू हुए तो उसके बाद जब सिचुएशन ठीक हुई
तो आज पंजाब वो ही वहाँ पर आ गया जहाँ पर पंजाब को पहले आना था। तो वैसे ही उन लोगों का दिल जीतना पड़ेगा आपको, किस तरीके से जीतना है, खास करके नौजवान जो है उनका उनका यंग जो ब्लड है वो उसके जज्बातों से घेरते हैं, हमारे भी घेरते रहे, लेकिन ये कहते रहे कि सिख मार रहे हैं लेकिन लीडर तो सारे हमें मरे, हमारे मरे। संत हरचंद सिंह लौंगोवाल जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो भी बाजवा साहब ने कहा उनके पिताजी चले गए, हमारे दो लीडर बड़े थे तलवंडी साहब और टोडा साहब, उन पर हमले हुए और कितने ही हजारों आदमी मर गए वहाँ पर। लेकिन उसके बाद ही हुआ जब लेकिन उतनी देर समझौता उतनी देर हालत ठीक नहीं हुए चेयरमैन सर, जितनी देर लोगों का साथ नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को साथ की जरूरत है। दूसरा मैं सर दो मिनट और लूंगा बस, मैं होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, तुलसी साहब ने भी बात की और बाजवा साहब ने भी बात की कि वहाँ पर सिखों की क्या हालत है, कश्मीर में सिखों की हालत ऐसी है कि ना तो वो उनके साथ जाते हैं, 75,000 से ज़्यादा हैं और 70-80 गांव में रहते हैं। और मैं जब हमारी सरकार थी मैं भी मिनिस्टर था तो छट्टी सिंहपुरा में 36 सिखों को मार दिया गया, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी किसी ने, उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, जो कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि उनका भी कुछ करो, ना तो उनको मुलाजमत मिलती है, कोई मुलाजमत नहीं, हम चीफ मिनिस्टर से 2-3 बार मिले, सभी सरकारें बन गई, किसी को कोई नौकरी नहीं है, है जी, ना ही उनको कोई मिनोरिटी स्टेटस है और ना ही उनको कोई ऐसी जगह के कोई काउंसिल में ही उनको मिल जाए, कोई रिजर्वेशन हो जाए, तो उनके लिए कोई पैकेज भी नहीं है। ठीक है पंडित को साथ भी बुरी हुई, लेकिन उतने वो तो इसके बावजूद वहाँ पर बैठे हैं, अपना देश समझ कर बैठे हैं, तो उनके लिए किसी सरकार ने ही। और आज वक्त ऐसा है, मैं होम मिनिस्टर साहब को इस गल बात की बधाई देना चाहता हूँ कि आज दोनों सरकारें आपकी हैं, सेंटर में भी है और आपकी सरकार वहाँ भी है, और ऐसा अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। अगर कश्मीर का मसला हल होगा तो इसी से हो सकता है, क्योंकि दोनों सरकारें आपकी हैं और आप आज इस मसले को इसलिए हल कर सकते हैं कि नहीं तो स्टेट में किसी की होती है, सेंटर में किसी में होती है, तो उसमें उनको करना चाहिए। तो इतना कहते हुए थैंक यू वेरी मच सर। ओके थैंक यू।